ओम शांति। प्रभु प्रेम कितनी पवित्र चीज है। कहां हम प्यासे थे, हे भगवान अपने प्यार की एक बूंद दे दो, थोड़ा सा प्यार दे दो। और कहां कितना बड़ा भाग्य मिला कि हम उसके बच्चे बन गए और उसका संपूर्ण प्यार हम पर बरसने लगा। जैसे छोटे बच्चों को माँ बाप कितना प्यार करते हैं, हम भी उसके बच्चे बन गए। भले ही कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, लेकिन उसका प्यार समान रूप से सबको मिलता है। जब कोई छोटा बच्चा होता है तो बाबा उसको ज्यादा प्यार देते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें भी दूसरों को प्यार देना होता है। और जब हम ऐश्वर्यी होंगे तो परमात्म प्यार को अनुभव करते रहेंगे। तो आइए आज संकल्प करें, हमें एक के प्यार में मग्न होने के अनुभव करने हैं। भगवान से यदि बहुत प्यार भरी रूढ़ियां हम करें, बातें करें, तो उसका आनंद बहुत ही अनुपम होता है। हम आदत डालें बाबा से प्यार भरी बातें करने का। देखिए, प्यार तो वो हमें बहुत देता है, लेकिन हमारे मन में उसके लिए प्यार तब उमड़ता है जब हमें ये याद रहता है, इसकी अवेयरनेस रहती है कि बाबा ने हमारे लिए क्या क्या किया, क्या क्या उसने हमें दिया है। अंधकार में भटक रहे थे, ज्ञान का प्रकाश लेकर आ गया हमारे पास। मंजिल कहीं भी नहीं दिखती थी, मंजिल दिखा दी। और केवल जाने को नहीं कहा, हाथ पकड़ कर ले जाने लगे। विकारों की और व्यसनों की गर्त में डूबे हुए थे, बाबा ने आकर हमें निर्मल और स्वच्छ कर दिया। दुखों में दुखों के पार सिर पर गिर रहे थे, अशांति जीवन में छाई हुई थी, बाबा ने सब कुछ हर लिया। तो हम बाबा की जो देन है हमें, उसने जो उपकार हमारे ऊपर किए हैं, उन्हें याद किया करें तो बाबा बहुत प्यारा लगेगा। हमें लगेगा उससे प्यारा और कोई नहीं, वही सत्यम शिवम और सुंदरम है। बहुत कल्याणकारी भी है, बहुत सुंदर है, अति गुणवान है, इसलिए बहुत प्यारा है। संपूर्ण पवित्र है, इसलिए बहुत प्यारा है। बिल्कुल देह से न्यारा निराकार है, इसलिए बहुत प्यारा है। तो हम भी बाबा के प्यार में मग्न होने का अभ्यास करें और बाबा का ये महावाक्य याद करें, एक के प्यार में मग्न होना ही संपूर्ण ज्ञान है। बहुत सुंदर महावाक्य है, बहुत बड़ा सीक्रेट है कि अगर हम संपूर्ण ज्ञान से संपन्न हैं, अगर ज्ञान का चिंतन हमारे पास है, तो हम एक से बाबा के प्यार में लंबे काल तक मग्न रह सकते हैं। इसके लिए जरूरी है उससे रूढ़िहान करते रहना, इसके लिए जरूरी है उसके उपकारों को याद करते रहना, अपने को उसके समीप अनुभव करते रहना। और ये भी जरूरी है कि जो उसके और बच्चे हैं, उसको भी हम बहुत प्यार दें, अपनापन दें। यदि हमारा मन दूसरों के लिए नफरत और घृणा से भरा होगा, तो ये हमारी नफरत और घृणा इनडायरेक्टली बाबा तक जाती है और हम उसके प्यार से वंचित हो जाते हैं। क्योंकि यदि हमारा शिव बाबा से प्यार है, तो उसकी रचना से भी हमारा प्यार होना ही चाहिए। अगर बाबा से प्यार है तो रचना से प्यार नहीं है, तो बाबा कहते हैं मैं ऐसे प्यार को स्वीकार नहीं करता। आज सारा दिन बाबा को बहुत प्यार भरी दृष्टि से देखेंगे, वहा
हमारे जैसा बाबा किसी को नहीं। बाबा तुम्हें पाकर हम निहाल हो गए, तुम्हारा साथ पाकर हम धन्य धन्य हो गए। जब से तुम मिले हमने जीवन जीना सीख लिया। इस तरह की बातें सारा दिन करते रहेंगे और फील करेंगे प्रसन्न होकर, बाबा अपनी शक्तियों की किरणें हम पर डाल रहे हैं। ओम शांति।